हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। क्या कर रहे हो? राजकुमारी पकड़ो इसे, पकड़ो। सीआईडी कॉप। अरे छोरी तो अंग्रेजी में बोली से। मैं एक सीआईडी ऑफिसर हूँ, एक पुलिस इंस्पेक्टर। ये पुलिस पुलिस क्या करते? मारी ना को। छोटी बहन? मेरी कोई छोटी बहन नहीं है। माँ, माँ देखो ना दीदी को, ये कैसी बातें कर रही है। शायद हमले की वजह से अभी तक सदमे में है। बेटे, पड़ोसी राज्य ने हमारे राज्य पर हमला कर दिया है और खतरा अभी टला नहीं है। बाहर सभी मर्द लोग अपनी जान की बाजी लगाकर दुश्मनों से लड़ रहे हैं। मारी नाको, छोड़ता नहीं कोई नहीं। अरे भागे चे क्या हो, मरे। पड़ोसी राज, हमला, ये सब क्या है? मेरी कुछ समझ में नहीं आ रहा। और आप कौन है? मैं कौन हूँ? अपनी माँ को भी नहीं पहचानती तू? माँ? आप मेरी माँ कैसे हो सकती है? मैं तो आपसे पहली बार मिल रही हूँ। ये तुझे क्या हो गया राजेश्वर? क्या हो गया तुझे? राजेश्वरी कौन है? मैं पूर्वी हूँ, कोई राजेश्वरी नहीं। माँ,
मुझे लगता है दीदी के सर पे बहुत गहरी चोट आई है, तभी वो अपनी याददाश्त खो बैठी है। अरे अरे कहाँ जा रही है बेटा? ये पेंटिंग? हाँ, पिछले साल ही बनवाई है, कुछ याद आया? जून 1940? ये इतना पुराना कैलेंडर यहाँ क्या कर रहा है? पुराना? हाँ, अभी तो 2014 चल रहा है ना, ये 74 साल पुराना कैलेंडर यहाँ पर? लगता है सदमे का बहुत गहरा असर पड़ा है तुझ पर। अरे तू आराम कर, मैं तेरे लिए हल्दी वाला दूध। अरे मगर आप लोग मेरी बात सुनते क्यों नहीं है? आराम दीदी, आराम कीजिए। आप लोग मेरी बात सुनते क्यों नहीं? आप लेट जाइए दीदी। अरे आप लेट जाइए, आराम कीजिए दीदी, लेट जाइए। चलो सब, राजकुमारी राजेश्वरी को कुछ देर आराम करने दो। एसीपी साहब, ये जनाना सदन में कौन बात कर रही है? जनानी? एसीपी साहब, मैं पूर्वी बोल रही हूँ। पूर्वी? हेलो हेलो एसीपी साहब। एसीपी से क्या कर रही है तू छोरी? एसीपी कहीं हो गए? कोई मेरी मदद करो, प्लीज मेरी मदद करो, मैं बहुत बड़ी मुसीबत में हूँ। बैठे बैठिए, बैठ, पानी लेगा। चलिए अब जरा शांत हो जाइए, शांत हो जाइए और बताइए क्या हुआ। सर मेरे पति, उनको बचा लीजिए प्लीज, मेरे पति को बचा लीजिए। हाँ लेकिन आपके पति को हुआ क्या? पिछले कई साल से उनका बिजनेस में नुकसान हो रहा है, इसलिए वो तिलोत्तमा के पास गए। तिलोत्तमा? ये तिलोत्तमा कौन है? आप तिलोत्तमा को नहीं जानते? वो बहुत बड़ी जानी मानी हस्ती है, लोगों को उनके पिछले जन्म में पहुंचा देती है। पिछले जन्म में? जी सर, मेरे पति आकाश के दोस्तों ने बोला कि तुम्हारा बिजनेस में लॉस हो रहा है सिर्फ इसलिए क्योंकि तुमने पिछले जन्म में कोई पाप किए होंगे और उन पाप को धोना जरूरी है। हर इंसान के जीवन में एक वक्त ऐसा जरूर आता है जब उसे अपने अतीत में कदम रखना पड़ता है, क्योंकि जिस तरह से आटे के अवगुणों को ठीक न किया जाए तब तक रोटियां अच्छी नहीं बन सकती, ठीक उसी तरह से जब तक इंसान के पूर्वजनों के पाप को नष्ट न किया जाए तब तक इस जन्म में सुखी रहना असंभव है, पूरी तरह से असंभव। लेकिन इसी असंभव को संभव करने के लिए तिलोत्तमा है आप सबके सामने। तो आज जिस इंसान को अपने पूर्व जन्म के पाप धोकर इस जन्म को सुधारने का मौका मिला है उसका नाम है आकाश।
स्टेज पर आई है। हाँ आकाश, आपको इस जन्म में क्या तकलीफ है? जैसा कि मैंने बताया कि बिजनेस भी कुछ ठीक नहीं जा रहा है, जहां भी पैसा डालता हूं डूब जाता है, यहां तक कि सारे दोस्त धोखा दे देते हैं। अगर ऐसे ही चलता रहा तो शायद कुछ दिन में घर बेचना पड़ेगा। नहीं नहीं, चिंता की कोई बात नहीं है, तिलोत्मा के रहते ऐसा कुछ भी नहीं होगा। आप जिस जगह पर आए हो ना, ये बहुत ही कम खुश नसीब लोगों को नसीब होती है। जाइए, अपने पिछले जन्म में जाकर अपने पापों के घड़े को खाली करके आइए, फिर उसके बाद देखिएगा कामयाबी कैसे आपके कदम चूमती है। जी, मैं जाने के लिए तैयार। ठीक है, आप वहां कुर्सी पर जाकर बैठ जाइए। चले गए। पिछले जन्म कब आएगा? ठीक 24 घंटे बाद। नहीं जानता कि वो पिछले जन्मों में क्या कर्म करके आया था, चोरी, डकैती। जब तक मनुष्य अपने अंतर्मन में झांक कर नहीं देखेगा, तब तक उसे अपने पिछले कर्मों का एहसास कैसे होगा? और जब तक अपने पिछले जन्म के कर्मों के बारे में इंसान नहीं जान पाएगा, तब तक कर्मों को सुधारेगा कैसे? अपनी ये गोल गोल बातें करना बंद करो और मुझे ये बताओ मेरा पति कहाँ है। तुम्हारे पति को थोड़ा सा वक्त और लगेगा अपने पापों का पश्चाताप करने के लिए। कितना वक्त? ये तो मैं नहीं जानती, लेकिन वो बहुत ही जल्द आ जाएंगे। आप श्रद्धा रखिए। उसने तो सिर्फ 24 घंटे कहा था, पर अभी तो पूरे 48 घंटे हो चुके हैं। मेरे पति का कोई आता पता नहीं। प्लीज आप लोग मेरी मदद कर ली। चिंता मत करना, हम तुम्हारे पति को जरूर वापस ले आएंगे। अब सिर्फ इतना बताओ, क्या तिलोत्तमा ने तुम्हारे पति से उनके पिछले जन्म के पाप धोने के लिए कुछ पैसे लिए थे? हाँ सर, उसे पूरे 10 लाख रुपए लिए थे मेरे पति से। अरे वाह, पिछले जन्म के पाप धोने के लिए 10 लाख रुपए। 10 लाख रुपए? सर ये तिलोत्तमा तो सरू कोई पाखंडी लगती है। श्रेया बिल्कुल, अब तो इस तिलोत्तमा से हमें मिलना ही पड़ेगा।
चलो इसी बहाने हम भी थोड़ा सा पाप धो लेते। मगर आप बहुत शरीफ दिखते हैं, आपको देखकर लगता नहीं है कि आपने पिछले जन्म में कोई पाप किए होंगे। ऐसी पिसाब, इस जन्म में कोई तकलीफ है आपको? जी नहीं। तो बीवी या बेटा? बिल्कुल नहीं। फिर आप क्या करेंगे पिछले जन्म में जाकर? ये सब सुविधाएं तो पापियों के लिए है, ताकि इनके कर्मों का चक्र सही दिशा में घूम सके। बहुत हो गया तिलोत्तमा जी, आप ये बताइए इनके पति आकाश कहाँ हैं? सर ये ऐसे नहीं मानेगी, मुझे 2 मिनट दीजिए, सच्चाई अपने आप बाहर आ जाएगी। शांत, मुझे तुम्हारा ये क्रोध देखकर इससे घृणा नहीं बल्कि सहानुभूति हो रही है। मुझ पर इल्जाम लगाने से क्या होगा? आकाश तभी आएगा जब नियति चाहेगी। और ये नियति अपॉइंटमेंट कब दे रही है? जब आकाश के पापों का घड़ा फूट जाएगा। देखिए मेरे सब्र का घड़ा फूट रहा है, पर ये आपके लिए अच्छी बात नहीं है। देखिए इस तरह से मैडम पर शक करना बंद कीजिए, ये कोई पहली बार नहीं है कि मैडम ने किसी को पिछले जन्म में भेजा है। इससे पहले भी कई बार बहुत सारे लोगों को पिछले जन्म में भेजकर वापस भी ला चुकी है वो। अच्छा, तो फिर हमें उन लोगों का फोन और एड्रेस दीजिए जो पिछले जन्म में जाकर वापस आ रहे हैं। हाँ हाँ, क्यों नहीं। जानवी, जाकर उन सब लोगों के नाम और नंबर दीजिए ने जो हमारी शक्ति में विश्वास रखते हैं। आपको देखकर तो ऐसा लग रहा है जैसे आपके अंतर मन में कुछ उथल पुथल हो रही है। देखिए, इतना बड़ा तूफान अगर आप अपने सीने में दबाकर रखेंगे तो जिंदगी बहुत मुश्किल हो जाएगी। मुझे तो लगता है शायद आपके पिछले जन्मों का कुछ उधार है। आप जाना चाहेंगे पिछले जन्म में? सिर्फ पिछले जन्म का नहीं, इस जन्म के भी कई पाप उधार है मेरे, और सीने में यह तूफान इसलिए है ताकि समाज को आप जैसे लोगों से बचा सकूं। और एक बात याद रखना, अगले 24 घंटे में आकाश वापस नहीं आया तो तुम्हारे ये तंबू खाड़ के सड़क पे रख दूंगा, समझे आप? ये लीजिए मोहन प्यारे। अगर दोबारा तुमने इतना टाइम लगाया ना तो देख लेना मुझसे बुरा कोई भी नहीं होगा। अंदर तो आग लगी हुई है। मोहन प्यारे, मोहन जी, आप लोग? प्यारे जी, हम लोग सीआईडी से। तुमने इतनी सी बात के लिए सीआईडी को बुला लिया? मैंने नहीं बुलाया, तुम्हारी कसम। देखो मेरी झूठी कसम मत खाओ। नहीं नहीं, ये सच कह रहे हैं, इन्होंने हमें नहीं बुलाया। अच्छा, फिर आप लोग यहाँ पे क्या कर रहे हैं और सीआईडी का यहाँ पे क्या काम है? हम तिलोत्तमा के घर से आ रहे हैं, उसने हमें बताया मोहन जी आप पिछले जन्म में गए थे, क्या ये बात सच है? हाँ गया तो था लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। एक मिनट, पिछले जन्म में क्या हुआ था वहां पे? जब मेरी आंख खुली तो अरे कंचा भाई को उठा गया, कंचा भाई को उठा गया। कंचा भाई, सलाम वालेकुम कंचा भाई। अरे अपने भाई आ गया, सलाम वालेकुम भाई। भाई उठो, सलाम भाई। सलाम वालेकुम भाई। ये मैं कहाँ आ गया? ये सब लोग मुझे कांचा भाई क्यों बुला रहे? मेरा नाम तो मोहन प्यारे है ना, ये सब मुझे पैसे क्यों दे रहे हैं? ये लोग मुझसे ऐसे क्यों बात कर रहे हैं जैसे मैं कोई गुंडा वुंडा हूँ? क्या कांचा भाई, कैसा है तबीयत पानी? अरे भाई साहब, मैंने क्या बिगाड़ा था? कांचा भाई,
अब और तेरी गुंडागर्दी नहीं चलेगी। अब तो गया। बचा बचा रुके, मैंने क्या बिगाड़ा आपका? आप ही बताइए मुझसे बुरी किस्मत किसकी हो सकती है। यहां भी पिटता हूं और पिछले जन्म में भी पिट रहा था। क्या मेरे प्यार से मारने को तुम पीटना बोलते हो? देखिए मोहन जी, ये बताइए कि पिटने के बाद आप यहां वापस कैसे पहुंचे? उसी टेंट से जिसके अंदर बिठाकर तिलोत्मा ने मुझे पिछले जन्म में भेजा था। अच्छा, ये तिलोत्मा ने आपसे कुछ पैसे लिए थे आपको पिछले जन्म में पहुंचाने के लिए? हां, पूरे 10 लाख रुपए से पीछा छुड़ाने के लिए, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। मतलब लोग वाकई में पिछली जिंदगी में जा रहे हैं? इस बार मैं जाना चाहता हूँ अपनी पिछली जिंदगी में। मेरी पिछली जिंदगी की प्रेमिका आशिमा मेरे लिए राह देख रही है। हाँ नहीं, मैं जाना चाहती हूँ। नहीं नहीं नहीं, मेरे पास वक्त नहीं है। मेरी पुरानी प्रेमिका मेरी राह देख रही है। अगर मैं वक्त रहते नहीं पहुंचा तो वो मुझे छोड़कर हमेशा हमेशा के लिए चली जाएगी। हाँ, मेरा जाना ज्यादा जरूरी है, क्योंकि क्योंकि किसी की जिंदगी और मौत का सवाल है। नहीं नहीं, मैं पहले जाऊंगा। तर्क वितर्क की कोई आवश्यकता नहीं है। तिलोत्मा आप दोनों को लेकर जाएगी पिछली जिंदगी में। लेकिन वो कहते हैं ना कि लेडीज फर्स्ट। तो महाशय, 3 दिन बाद में फिर से हमारी सभा होगी, आप वहां पर आइएगा। फिलहाल हम इन्हें भेजेंगे। बेटी, तुम्हारा नाम क्या है? साक्षी। साक्षी, आओ ऊपर स्टेज पर आओ। बेटी जरा संभल के। ओके पापा। सर पूर्वी स्टेज की तरफ जा रही है। स्टेज पे जा रही है, ठीक है। अब देखते हैं ये तिलोत्तमा पूर्वी को बाहर कहां से भेजती है। यस सर। तुम सब लोग तैयार रहना, पूर्वी स्टेज पर जा रही है। दस लाख रुपए वो मैंने जानवी को दे दिए। जाओ बेटा, अंदर कुर्सी पर जाकर बैठो। सर, तमाशा शुरू हो गया। सर, पूर्वी कभी भी पिछले जन्म में जा सकती है। हम लोग तैयार है फ्रेडी, सब लोग तैयार है। तैयार तैयार रहना। हाँ सर। ओके। क्या हुआ? पूर्वी गायब हो गई। पूर्वी गायब हो गई? इस दरवाजे से तो कोई बाहर नहीं आया। और सर, यहाँ से तो कोई भी बाहर नहीं निकला। सर, मैं यहाँ दरवाजे के बाहर ही खड़ा हूँ, यहाँ से तो कोई भी नहीं निकला। अब से ठीक 24 घंटे बाद हम यहीं पर जमा होंगे, ये देखने के लिए कि साक्षी की पिछले जन्म की यात्रा कैसी रही। कोई कहीं नहीं जाएगा। इस ऑडिटोरियम के सारे दरवाजे बंद है और तिलोत्तमा आप भी कहीं नहीं जाओगी और तुम लोग भी, समझे? सीआईडी वाले यहाँ भी? हाँ यहाँ भी। बताओ पूर्वी कहाँ? कौन पूर्वी? कौन पूर्वी? वो लड़की साक्षी जिसे अभी अभी तुमने दूसरी दुनिया में भेजा है, कहाँ है वो? वो तो गई दूसरी दुनिया में।
अच्छा चलो अब हम तुम्हें दूसरी दुनिया में पहुंचाते हैं। चलो तुम दोनों चलो। कहां गई? मेरे सामने पूर्वी टेंट के अंदर गई थी। ये देखिए सर, ये पाइप इस कैबिन के अंदर जा रहा है। पैसे से कोई गैस छोड़ी गई थी अंदर। तो गैस से पूरी को बेहोश किया गया और फिर गायब किया गया। सर, हाँ, क्या? सर ये सेज की ये जगह खोखला लग रहा है सर, देखो जरा। सचिन संभल के। हाँ सर। हाँ सचिन सर, ये स्टेज वाला रास्ता ड्रेनेज पाइप में आके खुलता है सर। ठीक है, देखो किस तरफ जा रहा है। हाँ सर। नॉर्थ सर, ये ड्रेनेज पाइप तो नॉर्थ की तरफ जा रहा है सर। ठीक है, एक काम करो, तुम आगे बढ़ो, हम तुम्हें बाहर से फॉलो करते हैं। तीन सौ सत्रह सर। सचिन सर, मैं मैनुअल नंबर 317 के पास पहुंच गया हूं सर, लेकिन यहां पे भी कुछ नहीं है सर। 317 नंबर मैनुअल? एक मिनट, हाँ सचिन, हम भी 317 मैनुअल के ऊपर ही हैं। सुनो, आगे चलकर देखो। हाँ, हम भी तुम्हारे साथ ही हैं। हाँ सर। पूर्वी का मोबाइल? पूर्वी, पूर्वी, सर। हाँ सचिन, मैनुअल नंबर 321 के पास पूर्वी का मोबाइल मिला है सर। 321? एक एक मिनट, एक मिनट। हाँ हाँ, 321 मैनुअल मिल गया। चल तुम ऊपर आओ, फिर बाहर निकलो। ये रहा पूर्वी का फोन सर। पूर्वी का फोन यहाँ पर मिला है, इसका एक ही मतलब है सचिन, कि पूर्वी को यहीं से ले जाया गया, यहाँ से। सर आपको मेरे पति आकाश के बारे में कुछ पता चला? नताशा तुम यहाँ क्या कर रही हो? सर आप बताइए मैं क्या करूँ, घर बैठे बैठे मुझे आकाश की चिंता सताई जाती है। हाँ दुष्यंत बोलो। अच्छा, ये आप सब लोग मुझे कहाँ लेके जा रहे हैं? कोई कुछ बताता क्यों नहीं है? ये भीड़ कैसी है यहाँ पर? लाश? इसी की सर, ये किसकी लाश है? कुछ बोल क्यों नहीं रहे? कहीं मेरा पति आकाश, ये उसकी लाश तो नहीं है ना? इसी सर। देखो नताशा, हमें अब तक पता नहीं है कि लाश किसकी है, इसलिए हम तुम्हें दिखाना चाहते हैं इस लाश को। चलो कम। बस आप ये अजीब ढंग से मार रहे हैं।
आघात मचा आकाश लगाइए प्लीज तुम आकाश संभालिए अपने आप को तीर से मारा है हाँ बस तीर गले के आर पार हो गया आसपास भी कहीं खून के निशान नहीं दिख रहे हैं वही तो बस मुझे लगता है इसे मारा कहीं और गया है और बाद में लाश यहां ला करके फेंक दी कब मौत हुई होगी कोई बता सकता है लाश को देख के लगता है इसे मरे हुए कोई 12 से 14 घंटे हो गए हैं एग्जैक्ट तो पोस्टमार्टम के बाद ही पता चलेगा सर आज के जमाने में कोई तीर से खून क्यों करे कोई खास वजह हो सकती है क्या दुष्यंत अगर पिछले जन्म में जाओगे तो तीर से ही मारे जाओगे ना अब वजह क्या खास थी ये तो तिलोत्तमा ही बताएगी मेरे लिए तो ये सिर्फ एक इन्वेस्टमेंट है पैसा कमाने का जरिया मैं लोगों से 10 लाख रुपए लेती हूँ उसमें से 3-4 लाख रुपए पिछले जन्म के दिखावे में खर्च हो जाते हैं मतलब जी जिस तरह से फिल्म और टीवी सीरियल्स वाले नकली सेट बनाते हैं नकली आर्टिस्टों को हायर करते हैं मैं भी बिल्कुल वैसे ही करती हूँ और जिन लोगों को मैं पिछले जन्म में भेजती हूँ उन सबको वो सब कुछ सच लगता है शर्म आनी चाहिए तुम्हें लोगों की भावनाओं के साथ इस तरह खेलते हुए मेरे पास तो सिर्फ वही लोग आते हैं जिनके पास बहुत ज्यादा पैसा है और पिछले जन्म में जाने के बाद वो दान करते हैं पूजा पाठ में ध्यान देते हैं और कुछ लोगों को तो साइकोलॉजिकल ये भी फील होने लगता है कि उनकी जिंदगी पहले से ज्यादा बेहतर हो गई अरे जिस धंधे की नींव झूठ पर रखी हो वो धंधा कभी सही हो ही नहीं सकता समझे बताओ क्यों मारा तुमने आकाश को सर मैंने नहीं मारा आकाश को हाँ तुमने ही मारा है आकाश को नहीं सर मैंने नहीं मारा विश्वास कीजिए मेरा मैंने बिल्कुल भी नहीं मारा उसे मैं ऐसे काम नहीं करती हूँ ऐसा तो मेरे साथ पहली बार हुआ है मैंने किसी को पिछले जन्म में भेजा हो और वो इंसान मारा गया हो सर मुझे लगता है कोई मुझे फंसाने की कोशिश कर रहा है सर अगर कोई वाकई से फंसा रहा है फिर तो पूर्वी की जान भी खतरे में पूर्वी कहाँ है इस वक्त कहाँ है पूर्वी 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 कहाँ चले गए सब लोग पूर्वी उन सबको तो यहीं पर होना चाहिए था तुम सब लोग कहाँ पर हो बाहर निकलो सारा सामान टूटा और बिखरा पड़ा ये सब तो हमारी स्क्रिप्ट का एक हिस्सा था लेकिन पहले कभी ऐसा नहीं हुआ वो लोग बिना बताए कहीं नहीं गए आज पता नहीं कैसे चले गए हवेली का कोना कोना ढूंढो पूर्वी 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 सर लड़की को भी बिल्कुल वैसे ही मारा है जैसे उस लड़के आकाश को मारा था तीर से कौन है ये लांची है इस ड्रामे में पूर्वी की बहन का किरदार अदा कर रही थी इसका मतलब तुम्हारे एक्ट्रेस में कोई तो है जिसने ये गद्दारी की और जो लांची को मार के
बाकी सबको अपने साथ ले गया। नहीं नहीं, वो सब वफादार थे, तभी तो इतने वक्त से मैं गुप्त रूप से ये सब कर पा रही थी। इस हवेली के ड्रामे में जितने भी एक्टर्स थे उन सबके मोबाइल नंबर चाहिए मुझे। अब कैसा लगता है सीआईडी इंस्पेक्टर पूर्वी, अपने पिछले जन्म से वापिस आकर? हाँ तुम तो वही हो ना जो तिलोत्मा के शो में आए थे। अरे वाह, क्या बाज नजर है, तुम्हारी नजर को तो मानना पड़ेगा। हाँ, एक ही नजर में पहचान गई। तिलोत्मा खुद मुझे पहचान नहीं सकी थी। वाह भाई वाह। तिलोत्मा, वो तुम्हें पहले से जानती थी? हाँ, काफी लंबी कहानी है, ऐसे बताऊंगा ना तो मजा नहीं आएगा। क्यों ना हम एक खेल खेलते हैं। हाँ? कैसा खेल? एक सीआईडी इंस्पेक्टर की मौत का खेल। जी साहब। ये क्या कर रहे हो? कहा ना, खेल खेल रहा हूं। और हाँ, ये एप्पल गिरना नहीं चाहिए, समझी? वैसे तिलोत्मा और मेरी पहचान काफी पुरानी है, 5 साल पुरानी पहचान है। 5 साल में बहुत कुछ बदल सकता है, बदल सकता है ना? 60 महीने होते हैं 5 साल में, राजा को रंग बना सकता है 5 साल में। मैं ये जानता हूं तुम ये जानने के लिए बेताब हो रही होगी कि ऐसा तिलोत्मा ने मेरे साथ क्या किया होगा जिसका अंजाम आकाश, लांची और तुम जैसे निर्दोष लोग भुगत रहे हैं। एक वक्त था जब मैं भी लोगों को तिलोत्मा की तरह ठगा करता था, उन्हें झांसा देकर कि मैं उन्हें उनके परिवार वाले उनके रिश्तेदारों से फिर से मिलाऊंगा, मरे हुए परिवार वालों से। तो जैसे ही तू ये खास पानी में अपना ध्यान लगाएगी तो तेरे अंदर ऐसी शक्ति आ जाएगी कि तू अपने मरे हुए पति को देख सकेगी। ध्यान लगा। ठीक से ध्यान लगाओ और ध्यान से। वो देखो, तुम्हारा पति आया। पता है फिर क्या हुआ? उसने मेरा भांडा फोड़ दिया, वो भी सबके सामने। कौन है ये? ये मेरा पति नहीं है। कौन है ये? ये तो क्या कह रही है? अरे ये तो फ्रॉड है, फ्रॉड! मारो इसे! लोग हंसने लगे मुझ पर, अंडे मारने लगे, जूते फेंकने लगे मुझ पर, टमाटर मारने लगे मुझे। देखो, तुम्हारे साथ जो भी हुआ उसका वाकई मुझे बहुत अफसोस है, पर अब तुम्हारा बदला पूरा हो चुका है, और लोगों को मार के तुम्हें क्या मिलेगा? जब तक मैं तिलोत्मा की जगह साई होते हुए नहीं देख लेता, मैं चैन से नहीं बैठूंगा। तुम्हें क्या लगा, मेरा निशाना खराब है? नहीं, ये तो सिर्फ एक खेल था, समय बिताने के लिए। अब तैयार हो जाओ, अब मेरी कहानी खत्म और तुम्हारा समय भी खत्म।
बहुत हो गया पिछले जन्म का खेल, अब अगले जन्म में जाने की तैयारी कर। सर, मैंने जो कुछ भी किया वो तिलोत्मा को बचाने के लिए किया था। सर सच कहता हूँ मैं, और अपने बदले की आग को शांत करने के लिए किया था सर। तिलोत्तमा को फंसाने के लिए दो दो लोगों का खून किया तुमने, और एक सीआईडी ऑफिसर की जान लेने चले थे। सर, आकाश को तो मारना जरूरी था सर, लेकिन लांची बेमौत मरी सर, क्योंकि जब हमारा आदमी वहां पहुंचा तो उसने सीआईडी को फोन करने की कोशिश की सर। लेकिन सर, आपको कैसे पता चला कि मैं यहां हूं सर? इंदिरा जी के जरिए। और आप कौन है? अपनी माँ को भी नहीं पहचानती तू? इंदिरा, तुमने मुझे धोखा दिया है। धोखा तो मैंने तिलोत्मा को दिया था, और वैसे भी सीआईडी से सच को छिपा पाना नामुमकिन है, और साथ ही नामुमकिन है खून करने के बाद फांसी के फंदे से बच पाना। फांसी तो होके रहेगी तुम्हें। फॉर मोर अपडेट्स सब्सक्राइब टू आवर चैनल, क्लिक द शो लिंक्स एंड एंजॉय वॉचिंग द वीडियोज़।